वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की बात की जाए तो 12.95 लेवल पे रिसेंटली आज क्लोजिंग दे चुका है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक, यानी कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है आज के दिन में ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। तो ऊर्जा ग्लोबल ने 12.95 पे क्लोजिंग दे चुका है, यानी कि आज जैसे ओपन हुआ था देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ओपन हुआ था और देख सकते 13 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा। रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। तो जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया तो रिसेंटली देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग जो पूरे दिन भर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ चुका था ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए। तो मार्केट कैप भी देख सकते 765 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशो जो है 938 का है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ऊपर का पी रेशियो है। और पिछले 5 दिनों में देख सकते 2.78% की तेजी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। तो आज के दिन का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 19,72,000 का वॉल्यूम देखने को मिला है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 253 लाख की है। तो देखा जाए तो देख सकते कि ट्रेडेड वैल्यू भी यहाँ पे आज कम देखने को मिले क्योंकि वॉल्यूम कम था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो 17,87,000 में से 11,28,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए चले गए। टोटल 63% क्वांटिटी जो है आज ट्रेडेड में से डिलीवरी के लिए जा चुके। तो ऊर्जा ग्लोबल का यहाँ पे देखा जाए चार्ट तो देख सकते आज 2400 मूवमेंट देखने को मिली ऊर्जा ग्लोबल में। मंथली प्यूट को कल ब्रेकआउट दिया, आज नीचे ही ओपन हुआ मंथली प्यूट के और मंथली प्यूट का रजिस्ट्रेशन लेता हुआ नजर आ चुका है। जबकि मंथली प्यूट को ब्रेकआउट नहीं देता है आज ऊपर के साइड में 13 लेवल के ऊपर सेटल नहीं होता है तो यहाँ पे आप देख सकते कि गिरावट और भी देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। जो यहाँ पे ऊपर सेटल होगा तो ऊपर फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए।